मैं एक्चुअली बहुत शॉक्ड हूँ क्योंकि मेरा भाई कभी मीडिया रखता नहीं है, इतनी बड़ी पार्टी रखता नहीं है, तो आई एम ग्लैड ही इज कमिंग आउट एंड आई एम हैप्पी कि साजिद नडियाड ने ये पार्टी रखी है, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें फैलती है, सो एटलीस्ट दिस वे एवरीवन नोज एवरीथिंग इज गुड एंड एवरीबडी इज फ्रेंड। अरे वो मुझे मार डालेगा, वो मेरे से भी मतलब मैं तो छुपाती नहीं हूँ मेरा एज, लेकिन ये आपको ही बताना पड़ेगा क्योंकि वो जितने साल कम होते रहते हैं मेरी भी उम्र उतने साल कम होती है ना। नहीं अभी मेमोरी जाके बनाएंगे ना हम ऊपर। दिवाली मजेदार थी दिवाली, बॉम्बे में यार पिछले साल भी नहीं कर पाया था, बॉम्बे में नहीं करेंगे। साजिद भाई का बर्थडे है और बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम लोग जब भी मौका मिलता है हम लोग मस्ती बहुत करते हैं, तो उनका बर्थडे है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मस्ती होने वाली है, तो अभी हम सब तैयार होकर आए, वार्म अप करके आए हैं कि ऊपर जाके अभी बहुत मस्ती होगी। वो मुझे लगता है कि अभी 21 साल के होंगे, क्योंकि जो एनर्जी उनमें है साजिद भाई में मुझे लगता नहीं है कि वो 21 साल के लड़कों में ही हो सकती है। आप कितना वार्म अप होके आई, ये तो वार्म अप होके आई, वो इतने वार्म्ड अप हो गए हैं, पूरा तवा जल रहा है उसी से, वार्म अप उससे उसका वार्म हर एक को पहुंच रहा है, तो मुझ तक भी पहुंच गया है। और ये इतना अच्छा शो जा रहा है इनका, आपने देखा या कुछ कहना चाहेंगे इनके शो के बारे में? देखा मतलब शायद आपने नहीं देखा कि मैं तो शो में थी खुद ही, पहुंच चुकी थी, तो इसीलिए ऑब्वियसली अच्छा लगा, जो भी काम गुरमीत करते मुझे तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है। साजिद भाई को हम दोनों यही कहना चाहेंगे कि नहीं छोटे तेरा बर्थडे आया, छोटे तेरा बर्थडे आया, छोटे तेरा बर्थडे आया, इससे अच्छा क्या हो सकता है। थैंक यू। Yeah, left side, left side.
साजिद मेरे बहुत ही नज़दीकी दोस्त है, मेरे भाई है, और आज उनका जन्मदिन है तो ऑब्वियसली मैं उन्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूँ थ्रू यू, एंड ऑब्वियसली मैं मिलकर भी उनको दूंगा, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू। पहले जाऊँगा फिर एंजॉय करूँगा, फिर जितना एंजॉय करूँगा आपको आके बताऊँगा, थैंक यू। हाँ मैं पकड़ता हूँ।